तो लीडरशिप में मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, कि कौन सा टैलेंट आपको आगे लेके जाएगा। उसके बाद जब अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, वो फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग से निकलना है, जिसके बारे में आप बोल रहा था कि जब आप खड़े हुए आपके दिमाग में दो सोच होगा और वो फिक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का है। आप खड़े हुए आपको लगेगा, दूसरा सोचे कि यार लगेगा तो मरेंगे और क्या होगा, खेलना ही है। ये बहुत जरूरी होता है फियर ऑफ फेलियर। और जब मैं कप्तान बना देश का, तो मुझे कहा जाता था कि बहुत यंग खिलाड़ी उस समय आगे बढ़े, हरभजन सिंह हो, जहीर खान हो, वीरेंद्र सहवाग हो, MS धोनी हो, वो देश के लिए आगे खेले। तो सबसे मैंने एक चीज उनको कहा कि यार तुम डरना मत, तुम फेलियर का बारे में मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, और जब मैं भी यंग खिलाड़ी होता था तो मेरे दिमाग में ये था कि यार बड़ा प्लेयर बनना है, सक्सेसफुल प्लेयर बनना है, जिंदगी बनना है, सोसाइटी में पहचान बनानी है। तो क्या होता है ना, जब व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल दिस यू आल्सो थिंक कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। सबके दिमाग में होता है जब आप अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू करते हो, इतनी इन्वेस्ट करते हो, इतने समय देते हो, आपको लगता है कि यार अगर अच्छी स्टूडेंट्स नहीं मिला तो क्या होगा। तो वो फियर ऑफ फेलियर सबके दिमाग में होता है, और जो लीडर होता है ना वो फियर ऑफ फेलियर निकालता है बाकी के दिमाग से। और मैं जब कैप्टन था तो मेरी सोच ये थी कि जो यंग खिलाड़ी जो आएंगे टीम में, उसको ये नहीं सोचना कि कप्तान क्या सोचता है और मीडिया क्या सोचता है, फेल होगा तो क्या होगा। उनके दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है कि उनका सिर्फ सोच वो रेड और सफेद गेंद जो बॉलर के हाथ से निकलना है उसको कैसे मारना है। मैं वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी की 6-7 साल, वो जब खेलता था जितना खतरनाक था ग्राउंड के बाहर उससे ज्यादा खतरनाक था। आप बोले क्यों? तो वो ओपन करता था, जिस दिन 100 बनाया तो टीम आपकी तो जीती गई, क्योंकि इतनी जल्दी 100 बनाता था कि आप जीत जाते। और जब आउट होके आगे और आपके बाजू में बैठा तो बैठ के, और उसके बाद आता था राहुल द्रविड 3 नंबर, वीरेंद्र सहवाग कहीं दिखा तो कट मारने का और राहुल द्रविड उसी बॉल को छोड़ने का। तो मेरे बाजू में बैठे बैठे राहुल द्रविड 2 बॉल छोड़ा 3 बॉल छोड़ा और यहाँ पे वो कट मारे जा रहे थे। अरे छोड़ दिया इसको कर, तो आपको थोड़े समय बाद बोला कि यार तू आउट हो गया, तू अब अंदर जा, तू वहां चुपचाप बैठ क्योंकि आगे मुझे जाके बैटिंग करना है। तू वहां पे भी शॉट लगा था, इधर पे भी शॉट लगा था, बट हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता, हमें पता था कि जिस दिन वो खेल गया ऐसे आपको जिता के लेके जाए। तो उसके दिमाग से अगर आप यहाँ बैठे बैठे उसको आप कहते रहो कि यार देख वो भी बड़ा प्लेयर है, वो भी बॉल छोड़ता रहा है, तू छोड़, तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर ना लोगों के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी होता है लीडरशिप में। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैन मैनेजमेंट। आप जितने लोगों के साथ काम करते हो उसको कैसे मैनेज किया जाए। हम बहुत तरीके से सोचते हैं कि जो मेरा सोच है वही सोच मेरे टीम में डालना है। जैसे कप्तान सोचता है वैसे ही बाकी 10 खिलाड़ी सोचे, वो गलत है। जो आप कोच बनोगे ना, कप्तान कोच भी मैं बोलता हूं, अगर कोच ऐसा सोचने लगे, आप फुटबॉल में देखते हो एलेक्स फर्गसन ऐसा च्युइंगम चबाते चबाते इधर से उधर भागता रहता है, आपने वो मोरिनो को देखा है वो कूदता रहता है, आपने वो जिडान को देखा है जो चुपचाप बैठा रहता है। कोच का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीम बनाने में, वो किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी स्टूडेंट को अपने तरीके से डेवलप करने के लिए मौका दे। क्योंकि जैसे 5 उंगली कभी एक जैसा नहीं होता, 5 इंसान भी कभी एक जैसा नहीं होता। और मैं कहूंगा एक चीज आपको कहता हूं, जब मैं कैप्टन बना देश का, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो ग्रेटनेस है, जो डिफरेंस है, कहने की हम कहते हैं ना छोटे से हम सीख के आते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब भारत देश का टीम बनता है तो एक आता है पंजाब से, एक आता है केरला से, एक आता है बंगाल से, एक आता है मुंबई से। इनकी भाषा अलग, इनकी सोचने की तरीका अलग, इनके खाने के तरीके भी अलग। और आप इसी एक ड्रेसिंग रूम में आप इन सबको देखते हो। मेरे कप्तानी के जमाने में एक खिलाड़ी था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सबके कैमराज ऑन है, मुझे पता है, नाम नहीं लूंगा। उसको अगर पूछेंगे ना कि तुम रात कल टेस्ट मैच है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, कहता है मैं रात को 9:30 बजे सोऊंगा,
सुबह उठ के 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में ये खाना, 8 बजे बस में मैच के लिए तैयार। तो नाम बता तो अगर आप उसको फॉलो करोगे ना नेक्स्ट डे, तो वो देखना कि वो वही करता है, वही करता है। ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, ड्रेसिंग रूम में देखना है कोने में उसका उसका कुर्सी और सब कुछ साफ सुथरा, बैट भी ठीक ठाक, जूता भी ठीक ठाक, जूते के लेसेस भी ठीक ठाक। और एक दूसरा बंदा था, सुबह आपने नींद से उठा, आपको ब्रेकफास्ट जाना है, आप जाके ना उसका दरवाजा खटखटाया, अरे तू उठा कि नहीं, आज टेस्ट मैच है। और वही दो बंदे जब ग्राउंड पे उतरते हैं देश के लिए खेलने के लिए, दोनों ही देश के लिए परफॉर्म करते हैं, दोनों ही देश को जिताते हैं। तुम्हें ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, आप यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत फॉलो करता हुआ है, तो मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों इंसान के चरित्र, दोनों इंसान की सोच, दोनों इंसान के खेलने के तरीके, दोनों इंसान के जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके अलग होते हैं। पर अगर एज अ कोच, एज अ टीचर, अब ये चाहोगे कि दोनों एक तरीके से सोचे और एक तरीके से तैयारी हो उनकी खेलने का, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो असली कप्तान, असली कोच, असली टीचर है, उनको ये अडॉप्ट करना है कि एक्स और वाई अलग है, इनको दोनों को अलग तरीके से मुझे डील करना है, लेकिन सक्सेस परफॉर्मेंस दोनों से ही अपने तरीके से मिलेंगे। तो मैन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट कैन नेवर बी माई वे और हाई वे। और मैं आपको एक चीज, आपने पढ़े होंगे, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है, उन्होंने कहा कि यार यू हायर प्रोफेशनल्स टू टेल यू व्हाट टू डू एंड इट्स नेवर द अदर वे अराउंड। जब आप टीचर होते हैं, आपको आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आप एक लेवल पे पहुंचते हो और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, हमारे करियर में और हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कहो, हम चाहते हैं कि जैसा मैं बोलूं वो करें। पर जो बड़े बनते हैं ना, वो जो नीचे है उसका सुनता है और उसका सुन के अडॉप्ट करते हैं अपनी अपनी कंपनी में, अपनी प्रोफेशन में, अपनी जिंदगी में। और जो ये अडॉप्टेबिलिटी दिखा पाता है, वही आगे जाके उसकी टीम बड़ी टीम होती है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है। और दो चीज कहूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया 20 मिनट बात करो, ये तो 25 मिनट हो गए। दो चीज और कहूंगा, आपकी लीडरशिप में एक तो आपका टैलेंट हुआ, एक हुआ फियर ऑफ फेलियर हुआ, आपके मैन मैनेजमेंट स्किल्स हुए। जो कप्तान है, जो लीडर है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो जो जिसके साथ काम करते हैं उसका ट्रस्ट डेवलप करना। क्योंकि क्रिकेट में होता है जो कप्तान है ना, वो दीवार होता है सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच में। और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी में हम सारे सिलेक्ट होते हैं, हमें सिलेक्शन मिलता है, हमें रिजेक्शन मिलता है। अब दो तरीके की, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में अब दो तरीके की, लीडर के नाते आप दो तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो कोई बंदा आके आपसे पूछे कि यार मैं ड्रॉप क्यों हो गया, आप उसको ये बोल सकते हैं, यार तू चिंता ना कर, तू अच्छा है, तेरे पास मौका आएगा, तू इंडिया के लिए फिर खेलेगा। और जैसे ही वो रूम से निकल गया, आप उसको भूल गए। दूसरे तरीके की जो लीडर है, वो उसको बैठाएगा, उसे बोलेगा कि देख तू फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेलता, तेरी रनिंग बिटवीन विकेट्स अच्छा नहीं है, तू इसको डेवलप कर और हम फिर तेरे को वापस लाएंगे। और एक खिलाड़ी की जिंदगी में ऐसा हुआ है, मुझे अभी भी याद है, 1999 में वो ड्रॉप हुआ, मेरे पास आया, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं तो आउट हो गया, शायद मुझे मौका मिलेगा नहीं, आगे क्या करें। तो मैं उसको दो चीज बोल सकता था, जैसा मैंने कहा कि यार तू जाके खेल, तू अच्छा है, तू फिर आ गया, फिर उसको भूल जा। तो उसके साथ बैठे, उसको बोला कि तू फास्ट बॉलिंग पे लेट है, तेरी जब पैर चलती है तो स्लो पैर चलता है, तू इस पे डेवलप कर। 2 साल बाद वो बंदा वापस आया, आप यहाँ मेरे घर में रहते हो क्या? तो 2 साल बाद, 2 साल बाद जब वो बंदा वापस आया, वो 100% अच्छा खिलाड़ी बन गया और वो डेब्यू में 100 बनाया साउथ अफ्रीका के सामने। मुझे अभी भी याद है ब्लूमफोंटेन में डेब्यू में उसने 100 बनाया और शानदार पारी खेली। तो मैं कैप्टन था देश का, तो मेरे पास आया, कहता है दादा मैंने 100 बनाया, आज मैं बहुत खुश हूँ।
मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया यार कि दो साल पहले तुझे मैं देखा था, दो साल बाद देख रहा हूं, फर्क क्या? कहता है वो जो डिस्कशन हुई थी ना आपके साथ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर था। और मैं आपको इसीलिए, आपका रेस्पेक्ट अगर इतना था तो इतना हो गया मेरे जिंदगी में, क्योंकि आप मुझे बोल सकते थे कि यार तेरा सब अच्छा है, तू वापस आ गया, वो दो मिनट का काम है, और तुम और मैं जब निकला आप भूल सकते थे। और जब आपने कहा कि मैं तेज बोलिंग में स्लो हूँ, मेरे पैर टच नहीं चलते, मैं 1.5 साल से उसी पे मेहनत किया जिससे कि मैं आपके वापस आके 100 बना सकता। तो समटाइम्स एज अ लीडर यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू द पीपल हु यू वर्क विथ फॉर देयर डेवलपमेंट। आई टेल यू वन मोर स्टोरी बिफोर आई फिनिश, आधे घंटा हो गया होगा आपके अवार्ड्स लेने। तो जब खिलाड़ी बड़े बनते हैं ना, जब कोई खिलाड़ी एक लंबे समय तक बड़ा बनता है आपकी लीडरशिप टेन्योर में, हर इंसान का करियर, हर इंसान का ग्राफ हमेशा ऊपर नहीं जाता, कोई भी नहीं। बिजनेस में देखो, स्पोर्ट्स में देखो, फिल्म में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, हर इंसान का ग्राफ कभी ऊपर नहीं जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपका ग्राफ नीचे आएगा, हर बड़ा प्लेयर के साथ होगा, और उसी समय लीडर का उसका साथ रहना बहुत जरूरी होता है। ऐसा एक खिलाड़ी था हमारे करियर में, हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे 2003 में, आप आ जाओ स्टेज में यार, 2003 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उसको टीम में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यार ये वहाँ पर उतना अच्छा नहीं करता, वहाँ पर स्पिन नहीं होती, तो क्या किसी दूसरे को लेके जाओ। तो मैं लड़ता गया उसके लिए, लड़ता गया। मेरे कोच जो थे उन्होंने कहा यार छोड़ दो, वो मान नहीं रहा है तो किसी और को ले जाते, खिलाड़ी क्या फर्क करने वाला है। मुझे पता था कि अगर उसको छोड़ के गए तो शायद आगे वो देश के लिए और नहीं भी खेल सकता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, रात हो गए, आपको नींद आई होगी, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके नाम आए टीम में, जब नाम आया तो सिलेक्टर ने मुझे कहा कि अगर इसने अच्छा नहीं किया तो पहले तुझे निकालूंगा फिर उसको निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद बात करेंगे, लंबा टूर था। इंडिया ने बहुत अच्छा खेला उस सीरीज। तो जब चौथे टेस्ट का 5वां दिन था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि यार ये टेस्ट तो हम जीत सकते हैं, बट हमारे बॉलर्स थक गए हैं क्योंकि हर टेस्ट 5-5 दिन का गया, गर्मी था, क्या करना है। सिडनी में मुझे अभी भी याद है, तो मुझे अलग ले जाके बोला देखो आज 90 ओवर है, 45 ओवर मैं एक एंड से डालूंगा, अब बाकी 45 ओवर किसी दूसरे को दूसरे एंड से डालवा। मैंने कहा यार तू भी तो थकेगा, तू भी तो इंसान है, तू कैसे एक दिन में 45 ओवर डालेगा। तो कहता है कि जब मैं थक जाऊंगा मैं आपको बोलूंगा, आप मुझे 2-3 ओवर ब्रेक दे देना, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वो सीरीज खत्म हुई, हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसने उस साल 70 विकेट लिए पूरे साल में, जो जिंदगी में उसने कभी नहीं लिया। वो उससे पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उससे पहले बहुत ज्यादा विकेट लिए, बट उस साल जितना विकेट उसने लिया उससे पहले कभी नहीं लिया। मैं ये स्टोरी आपको इसीलिए कहना चाहता हूं क्योंकि सबके करियर में ना एक खराब टाइम आएगा, और अगर उस आदमी में टैलेंट है, अगर उस आदमी ने परफॉर्मेंस दिया है आपको, तो कभी कभी एज अ लीडर आपको उसका साथ देना बहुत जरूरी होता है वापस लाने के लिए उसके लिए। क्योंकि जब सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स होते हैं, आप डिस्कस करते हो, तो वो बात उसके पास जाता है कि आपका कप्तान आपके बारे में क्या सोचता है। और जब आप अपने कोलीग्स के बारे में, अपने खिलाड़ी के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सही चीज सोचोगे ना, वो भी रिएक्ट सही तरीके से करेगा। वो चौथी टेस्ट तक उसने सीरीज में 30 विकेट ले चुका था ऑलरेडी, बट उन्होंने चौथी टेस्ट की 5वें दिन, जो सबसे गर्म दिन था सिडनी में, मुझे आके बोला कि मैं आपके लिए 45 ओवर डालूंगा और आपको ये मैच जिताऊंगा। क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा नेक लाइन पे था, 1.5 महीना पहले जब टीम बन रहा था, नेक लाइन पे था, इसने मेरे लिए खड़ा हुआ है कि इसने मेरे ऊपर फेथ दिखाई है और मुझे इसका अभी फेथ वापस करना है। तो जब बड़े टीम बनते हैं, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जब बड़े ग्रुप्स बनते हैं ना, ये फेथ से ही बनते हैं, ये रिजेक्शन से हमेशा नहीं बनता, निकाल दो दूसरे आ जाएंगे, बाहर कर दो, वो हमेशा ऐसे नहीं बनते। तो लीडरशिप का सबसे बड़ा
मंत्र सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में समझता हूँ कि जिस लोगों के साथ आप काम करते हो ना, उस लोगों को आगे ले जाना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीफ के साथ। सब गिरेंगे, क्योंकि दुनिया में सब गिरेंगे, आप भी गिरोगे एक दिन। लेकिन अगर आप, आपके अच्छे समय में आपने जिसका साथ दिया है वो आपको आगे लेके जाएगा आपके पूरे समय। तो लीडरशिप हमेशा मतलब ये नहीं कि मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, इट बी आइदर माय वे और हाई वे। द बेस्ट लीडर्स वर्क विद देयर पीपल, द बेस्ट लीडर्स टेक पीपल अलोंग विद देम। द इजीएस्ट थिंग इज इन द वर्ल्ड इज दैट जब दूसरे की समय खराब हो उसको उसका साथ छोड़ना और आगे बढ़ना, क्योंकि यार दूसरे खिलाड़ी तो मिल जाएंगे। बट द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट एंड हु रिमेन फॉर एवर the ones who carry the people with you. So hamesha yaad rakhna, aap yahan pe teachers hain, aap students ko padhate hain, aap unki zindagi banate hain, hamesha ye training unke saath dena ki agar bada banna hai, agar successful banna hai to sabse important hai ki logo ko saath leke chalna. Sabke din aayenge, kisi ke acche kisi ke bure, ek koi 100 banayega, dusra fail hoga, fir teesra aake 100 banayega. But jo bade khiladi hain, jo successful khiladi hain, वो कभी ना कभी उठ के जरूर आएंगे आपकी जिंदगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये आप तो को, आप कोचेज हैं, आप टीचर्स हैं, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, तो आपको जब स्टूडेंट्स को अपने करियर बनाने की सलाह देनी है तो उनको ये चीज जरूर सलाह देना कि यार आपको लीडर बनना है, आपको सिर्फ वन ऑफ नहीं बनना, आपको सिर्फ अच्छा सैलरी कमाने वाला कॉरपोरेट हेड MD CEO नहीं बनना, आपको ऐसा CEO ऐसा MD बनाना है जो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। वो एडुकेशन बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स में और जो बड़े होते हैं उसकी करियर बिल्डिंग में, कि आपको ऐसी चीज करना है जिससे कि आप लेगेसी छोड़ के जाए। तो MS धोनी को देखिए, जब तक भारतीय क्रिकेट रहेगा तब तक लोग बोलेंगे कि वाइट बॉल क्रिकेट में अगर भारत को किसी ने कोई आगे लेके गया है तो MS धोनी है। पिछले 2-3 मैच में आपने देखा वो 7 नंबर पे खेलते हैं, वो तो हम कह सकते थे कि यार मैं 4 नंबर खेलूंगा, मैं MS धोनी हूँ, मैं छक्का मारता हूँ, मैं रन बनाता हूँ, आप मुझे 4 नंबर खेलो। लेकिन वो सबसे मुश्किल स्पॉट पे खेलते हैं 7 नंबर पे, क्योंकि उसको पता है 2 ओवर में अगर 30 बनाना है और अगर MS धोनी को लीडर बनना है, जो पिछले मैच में उन्होंने 2 ओवर में 30 रन बनाए मुंबई इंडियंस के साथ, वो MS धोनी ही करेगा। तो आप लीडर आप बड़े आदमी, आप सक्सेसफुल आदमी तभी बनोगे जब आप मुश्किल काम खुद करोगे, या वो कभी नहीं बनोगे जब मुश्किल के समय आप किसी को बोलोगे चल तू जा के छक्का मार के। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलने आज, और जो यहाँ बैठ के द्राविड़ और सहवाग और कुंबले कर रहे थे, आप प्लीज कैलकटा आइए मेरे से मिलिए।